इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। आज माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन है। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। आज शाम 5:19 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:33 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 8:33 से कल सुबह 5:39 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 अप्रैल की सुबह 7:46 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:56 पर शुरू हुआ था और दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:56 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:27 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 2:02 तक भी रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:56 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:27 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अप्रैल की सुबह 5:54 से 9:19 तक और दोपहर पहले 11:34 से दोपहर 1:09 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 5:56 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:27 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर पहले 11:42 से शाम 6:36 तक भी रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 16 अप्रैल की शाम 6:06 से 6:32 तक और रात 8:51 से 2:56 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 16 अप्रैल की रात 2:40 से 2:56 तक और भोर 4:24 से अगली सुबह 5:54 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 19 अप्रैल की देर रात 1:54 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:34 तक। मुंबई दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:37 तक। लखनऊ दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:19 तक। भोपाल दोपहर 1:56 से दोपहर बाद 3:31 तक। कोलकाता दोपहर 1:12 से दोपहर 2:47 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:50 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज समझदारी के साथ काम करेंगे तो आपको कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको जो भी कार्य दिया जाए इसे स्वीकार कर लें। आज आप जो भी काम करेंगे उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी रहेगी। लोग अपनी परेशानियां आपके सामने रखेंगे जिसे आप आसानी से सुलझा देंगे। इस राशि के छात्र आज करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु की मदद लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज नौकरी में किसी मामले को लेकर विवाद हो सकता है, इससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर साथ के कुछ लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। बच्चों का समय घर पर दादा दादी के साथ बीतेगा और उनसे वो कुछ अच्छी शिक्षा लेंगे। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अचानक कहीं से धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। व्यायाम करने से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज का दिन व्यस्तता में बीतेगा। आज आपके सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। शाम को परिवार के साथ डिनर एंजॉय करेंगे। कई दिनों से चल रही परेशानी आज किसी दोस्त की सहायता से सॉल्व हो जाएगी। माताएं बच्चों को कोई उपहार दे सकती हैं जिससे वो काफ़ी खुश होंगे। सराफा बाजार से जुड़े लोगों को भारी धन लाभ होने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के बिजनेस कर रहे लोगों को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। विवाहित अपने साथी पर भरोसा बनाए रखें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी। इस राशि के मेडिकल स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को मिलेगा जो भविष्य में आपके काम आएगा। कारोबार में आ रही परेशानी दूर होगी। घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आप जितना सकारात्मक सोचेंगे उतने ही सफल रहेंगे। जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया और रचनात्मक करेंगे। इस राशि के छात्रों को आज अपना करियर बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश करनी होगी। कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सफलता जरूर मिलेगी। इस राशि के जो लोग मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं आज उन्हें किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। इस राशि के व्यापारी वर्ग जिससे भी बात करेंगे उसे अपनी राय से सहमत कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के आसार बनेंगे। परिवार के किसी खास मामले पर आप अपनी राय निर्णयात्मक ढंग से रखें। शाम को अपने जीवन साथी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं जिससे आपके साथी आपसे खुश होंगे। आँखों का विशेष ध्यान रखें, इससे संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके पहले किए गए प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस राशि के बिजनेसमैन को कम मेहनत से ही ज़्यादा फायदा होगा। आज आपका दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा जिसमें परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन ठीक है, आपको टीचर से पूरा सहयोग मिलेगा। शारीरिक दृष्टि से आज आपकी हेल्थ फिट रहेगी। लवमेट आज अपने दिल की बात अपने साथी से कहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आप कुछ बेहतर करने की सोचेंगे। आपके सामने कुछ अच्छे अवसर आएंगे, आप उसका पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शाम को परिवार वालों के साथ आनंद के पल बिताएंगे। इस राशि के जो लोग टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए दिन राहत से भरा रहेगा। छात्रों को आज मेहनत करने से अच्छी सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आपको जरूरी कार्यों में सफलता मिलने वाली है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो घर के बड़ों की राय जरूर लीजिए। इस राशि के वकील आज किसी पुराने केस की स्टडी करने में बिजी रहेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। महिलाओं को घर के कार्यों में बच्चों की मदद मिलेगी जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज ऑफिस में समझदारी से किया गया काम फायदेमंद रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आज अपने उदार स्वभाव से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। भावनात्मक उथल पुथल आपको परेशान कर सकती है। आज आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल करके दिन को बेहतरीन बनाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य में आज थोड़ी गिरावट हो सकती है, हो सके तो आज थोड़ा हल्का खाना खाइए। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9।
कुंभ राशि वालों, आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज परिवार के संग किसी धार्मिक कार्य में मन लगाएंगे जिससे मन शांत रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के नए तरीके सोचेंगे जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा। कला के क्षेत्र में कुछ नई पहल भी आप कर सकते हैं। आपको हर कोशिश में अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा, उनके विचार भी आपके काम आएंगे। फोन को थोड़ा संभाल कर रखें और हाथों में कस के पकड़ें, गिरने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। जो भी काम आपके लिए खास हैं उन्हें आज पहले पूरा करने की कोशिश कीजिए। इस राशि के छात्रों को कम मेहनत करने से भी सफलता हासिल हो सकती है। विवाहित आज पार्टनर की भावनाओं को समझें और उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी निजी समस्या से परेशान हैं तो उससे निजात पाने के लिए कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है जिससे आपकी मुश्किल आसान होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में गुड़ का दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस के लिए आज कोई सीनरी लेना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक 2, अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को अपने विचारों पर सहमत कराने में आप सफल होंगे। मूलांक 3, आज आपके कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है लेकिन शाम तक उसे पूरा भी कर लेंगे। मूलांक 4, किसी काम में कोई भी फैसला ले रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ कर लें। मूलांक 5, अपने काम को अच्छी दिशा देने के लिए प्रयास करेंगे, जितना प्रयास करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। मूलांक 6, कार्यालय में सीनियर्स आपके ऊपर काम को लेकर थोड़ा दबाव बना सकते हैं, रिलैक्स रही। मूलांक 7, पैसे कमाने के आपको नए नए तरीके मिलेंगे जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मूलांक 8, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, रोजमर्रा के कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। और मूलांक 9, दोस्तों से किसी बात पर बहस हो सकती है इसलिए आप किसी से ज्यादा ना बोलें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे घंटे के बारे में। योगिनी तंत्र में कहा गया है कि शिव के मंदिर में भल्लक, सूर्य के मंदिर में शंख और दुर्गा के मंदिर में बांसुरी या माधुरी नहीं बजानी चाहिए। जयसिंह कल्पद्रुम के अनुसार पूजा के समय सदैव घंटा या घंटी बजाना शुभ है। घंटा सर्ववाद्यमय माना गया है। भारत के अलावा चीन के रहने वालों ने भी इसे समझा और आज बाजार में तरह तरह की विंड चाइम्स अवेलेबल हैं। यही नहीं, गिरजाघरों में भी घंटी बजाने की परंपरा है। घंटे की आवाज़ नेगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी को एकत्र करके स्थान के वास्तु को शुद्ध करती है। इसीलिए पूरे विश्व में घंटा या घंटी का प्रयोग आजमाया गया। पूजा घर में अपने बाईं तरफ घंटा रखकर बजाने के बाद घंटे को अपने लेफ्ट साइड में रखना चाहिए और उसकी गंध अक्षत पुष्प से पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः गरुणाय नमः। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घंटे के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। यहाँ घंटे के बारे में एक बात थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ आपको। देखो, जैसे हम आपको कहते ये पूर्व है, ये दक्षिण, ये उत्तर और ये पश्चिम, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। अब हमने आपसे बताया यहाँ पूर्व में माता को रखो, दक्षिण पूर्व में यहाँ दीपक और उत्तर पूर्व में, साउथ ईस्ट में दीपक और उत्तर पूर्व में कलश रखना है। अब देखो, ये जो आपका पूजा स्थल, आप यहाँ बैठे हैं पूजा स्थल के बाहर, इस पूजा स्थल के माइक्रो सिस्टम में इसका उत्तर पश्चिम और पश्चिम कहाँ पे आया? अब यहाँ गौर करो, हम बार बार आपको बताते हैं कि ईस्ट और साउथ ईस्ट लकड़ी है, दक्षिण आग है, उत्तर पानी है, उत्तर पश्चिम और पश्चिम मेटल है, घंटा मेटल से बना है। तो इस माइक्रो सिस्टम में जहां पे वेस्ट आता है वहां पे घंटा रखने की बात कही गई। अब बात समझ में आई हमने क्यों कहा कि घंटा बजाने के बाद इसे अपने वाम भाग में रखना चाहिए, क्योंकि आपके नियरेस्ट जो लेफ्ट पार्ट है वो उस माइक्रो सिस्टम का वेस्ट है, आप उस माइक्रो सिस्टम के बाहर है। ये आपकी पूजा की वेदी है, ये ईस्ट है पूर्व दिशा, यहाँ माता है, यहाँ साउथ ईस्ट है, यहाँ आपका दीपक है, नॉर्थ ईस्ट है आपका कलश है, और यहाँ पर आपका नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में आपका घंटा है। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों कहता हूँ घंटा बजाने के बाद अपने बाईं ओर रखना चाहिए, ये सिस्टम है उसका। मेटल हर्ष तत्व का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है।
चाइना में भी देखो विंड चाइम नॉर्थ वेस्ट में लगाने को सबसे अच्छा मानते हैं, वहाँ लकड़ी की विंड चाइम होगी तो पूरब में लगाएंगे, और अगर मेटल की है तो नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे। और अब आगे आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर 3:28 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आज माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन है। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर हैं, और पांचवा हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है, और पांचवा हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता। लिहाजा देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। आज माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो सभी परेशानियों के साथ ही साधक को बहुत से और ग्रहजन्य दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। आपको माँ चंद्रघंटा का मंत्र बता देता हूं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर जुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। देखो ये लंबी स्तुति है, इसकी ये लाइन है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपको बहुत सी परेशानियों का हल मिलेगा। तो ये थी चर्चा आज चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की। और अब बात करते हैं ऋण मुक्ति हेतु माता चंद्रघंटा की कृपा पाने के मंत्र और उपाय की। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ऋण मुक्ति मंत्र के बारे में। वो जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया का वही, दारिद्र दुख भय हारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। दारिद्र दुख भय हारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। आज के दिन माता चंद्रघंटा के इस मंत्र का 51 बार जप करने के लिए, जप करने से आपको जल्द ही ऋण यानी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और अब ऋण मुक्ति के और उपाय। आज कमलगट्टे को पीस कर देशी घी की सफेद बर्फी मिलाकर अग्नि में उसकी 21 आहुतियां दीजिए। एक और उपाय, आज पीली कौड़ी और हरसिंगार की जड़ को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके धारण करें या अपने पास रखें तो ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी। एक और उपाय, आज सफेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल, चांदी का टुकड़ा, चावल और गुड़ सफेद कपड़े में रखकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें और फिर कहें कि मेरी परेशानी खत्म उतर जाए, मेरा कर्ज उतर जाए, मेरी परेशानी उतर जाए, मेरा कर्ज उतर जाए। मन में ऐसा विचार करते हुए उसको जल में प्रवाहित कर दें। आज कमल की पंखुड़ियों में माता को मक्खन और मिश्री का भोग लगाकर उनके सामने 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दीजिए, ऋण मुक्ति होगी। आज केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें और नवमी वाले दिन केले के पेड़ की थोड़ी सी जड़ तिजोरी में रखें, कर्ज से मुक्ति होगी। तो ये थी चर्चा चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन कर्ज से मुक्ति पाने के मंत्र और उपायों की। और अब मैं आपको माता के एक ऐसे अचूक मंत्र के बारे में बताऊँगा जिसके जप से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उस अचूक मंत्र की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो अचूक मंत्र है माता का नवार्ण मंत्र। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है वो मंत्र, तो नोट करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का पुरस्चरण 1,00,000 जप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का पुरस्चरण 1,00,000 जप है। मार्कंडेय पुराण में इस मंत्र की महिमा बताई गई है। और अब बात करते हैं नवार्ण मंत्र के जप की। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर अष्टमी तक साधक को 1,00,000 मंत्र का जप करना चाहिए, यानी कि नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक की साधना करने से सिद्धि होती है। अब आज तो तृतीया है, पंचमी परसों शुरू करना है। इस बार नवरात्र की पंचमी तिथि 17 अप्रैल को है और अष्टमी 20 अप्रैल को। बता दूं कि जप का 10% हवन यानी 10,000 बार हवन, उसका 10% तर्पण
यानी 1000 बार तर्पण उसका 10% मार्जिन, यानी 100 बार मार्जिन उसका 10% ब्राह्मण भोज, यानी 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो इस बार चैत्र शुक्ल पंचमी 17 तारीख को है और अष्टमी 20 तारीख को है, यानी आपको 17 से 20 तारीख के बीच इन 4 दिनों में 1,00,000 मंत्र पढ़ने हैं, यानी 25,000 मंत्र रोज जपने हैं। अब अगर आप हवन तर्पण मार्जन नहीं करना चाहते तो उसे भी आप इसमें जोड़ लीजिए, यानी 1,00,000 जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 मार्जन और 10 ब्राह्मण भोज, 1,11,110, इनको 4 दिनों में बांट दीजिए तो कितने हुए, 27,778 मंत्र रोज हुए। एक माला में 108 बन के होते हैं, इस हिसाब से 257 माला रोज करना होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, 4 दिन में 10,000 मंत्र ही जपिए, वो भी नहीं जप सकते, 1,000 मंत्र जपिए, लेकिन जपिए जरूर, बड़ा फायदा होगा। दुर्गा देवी के इस मंत्र से आप स्वयं मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण सभी कर्म कर सकते हैं, लेकिन हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी कि मंत्र में कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं, ये अक्षर अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए किसी का वशीकरण करना है तो यही मंत्र कैसे जपा जाएगा, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुकान अमुक नामानां वशट मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुनिए, वशट ऐं, मान लीजिए हमको वश में करना है, खुद ही को वश में करने की बात करता हूं, इंदु प्रकाश को, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आचार्य इंदु प्रकाश नामानं वशट मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आचार्य इंदु प्रकाश नामानं वशट मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। और अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो मंत्र को इस रूप में जपना होगा, जहाँ पर अमुक नामानम लिखा है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिसका वशीकरण किया जाना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं XYZ का वशीकरण करना चाहता हूँ, तो मुझे मंत्र इस तरह पढ़ना होगा, XYZ मान लीजिए नाम है XYZ, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे XYZ नामानम वशट मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे XYZ नामानम वशट मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। और वशीकरण के लिए 1 करोड़ जप करना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए, सफेद आसन का प्रयोग करना चाहिए और जप के समय सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन भी करना चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि तंत्र का प्रयोग कभी भी दुर्भाव से नहीं करना चाहिए, बुरी नियत से किए गए किसी भी तंत्र में निश्चित रूप से असफलता तो मिलती ही है, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ऊपर आपने देखा वशीकरण के लिए मंत्र का स्वरूप क्या है, अब इसके अन्य स्वरूप भी देखिए, कोई देश की सीमा पर अटैक कर रहा हो, कोई अमानुषिक कृत्य कर रहा हो उसके विरुद्ध करिए, दुष्टों का संहार करिए। हमारे सब देवी देवता हमें दुष्टों के संहार की प्रेरणा देते हैं, माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है वो दिखाने के लिए नहीं, वो सब प्रयोग करने के लिए है। दुष्टों का संहार करिए इस मंत्र से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्तम रंग रंग खे खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु स्वाहा, भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ देवदत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस व्यक्ति का आप मारण करना चाहते हैं। अब मान लीजिए शत्रु सैनिक का नाम करना है तो आप ऐसे करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे शत्रु सैनिक का नाम रंग रंग खे खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ एक बात और, आप कोरोना का भी मारण कर सकते हैं, मारिए कोरोना को। मंत्र कैसे पढ़ेंगे, इस मंत्र को पढ़िए, ध्यान से इसको समझिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कोरोना रंग रंग खे खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। अब मारण के यहां एक बात आपको बता दूं, इससे कुछ लोगों को बड़ा डाउट हुआ कि ये कुछ बात है क्या, यस सर बात है, वो जो आप देते ना स्प्रे, उस स्प्रे में अगर बात है तो साउंड इंजीनियरिंग का स्प्रे है, इसमें भी बात है। तो आप इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं ना, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, ये उसको इम्यूनिटी बूस्टर तो हम रोज पढ़ते हैं आपके लिए, और अभी हम कोरोना के लिए इसकी दूसरी तीसरी लहर जो भी आने वाली है उसके लिए एक और आपको इम्यूनिटी बूस्टर देंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, देंगे, हम पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, देंगे। लेकिन ये मारण है, कोरोना को मारो, शत्रु है, शत्रु को मारो,
यहाँ बता दूं कि मारण का प्रयोग, इस मारण के संदर्भ बता दूं, ये प्रयोग केवल समाज के शत्रुओं के लिए किए जाने की अनुमति, केवल समाज के शत्रुओं के विरुद्ध इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत खास निषेध भी है, अंडर एनी सरकमस्टांसेस किसी भी दशा में नारी के विरुद्ध, स्त्री के विरुद्ध मारण प्रयोग नहीं किया जा सकता। मंत्र महारणों में इन शब्दों में कहा गया, इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, मारणम वर्जितम स्त्रीषु, मारणम वर्जितम स्त्रीषु यतश्चायानि कारयेत्, स्त्रीषु च मारणम मोहात् कर्तुम मृत्युम न संशयः। मतलब स्त्रियों के विरुद्ध मारण वर्जित है, स्त्री ने कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, स्त्री के विरुद्ध मारण वर्जित है। स्त्री का मारण अगर किसी मोह के वश पड़ के आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी तो मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। इतनी भीषण वार्निंग और चीज़ों के लिए नहीं दी गई, यानी किसी भी दशा में स्त्री के विरुद्ध मारण प्रयोग नहीं किया जा सकता, अन्यथा प्रयोग करने वाली की मृत्यु सुनिश्चित। और मारण के लिए बहुत ज़्यादा जप नहीं करना होता, मारण के लिए केवल 10 लाख जप करना चाहिए, काले कंबल के आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। अब उच्चाटन के लिए मंत्र नोट करिए, जिस व्यक्ति का उच्चाटन कर दिया जाता है वो व्यक्ति उस नगर या गांव से स्वयं ही चला जाता है, वहां पर उसका मन नहीं लगता, मनुष्य का उचित उस जगह से उतर जाता है। आप कोरोना के विरुद्ध भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कोरोना फट उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसके आगे जिसको आप चाहते हैं कि स्थान छोड़ के चला जाए, बहुत पीड़ित कर रहा है, उसका नाम लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फला फला फट उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। देवदत्त की जगह, जहाँ देवदत्त हम कहते हैं, उस जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसका उच्चाटन किया जाना है। उच्चाटन के लिए 24 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए, लाल रंग के आसन पर लाल वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। अब मोहन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट करिए, क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा, क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरुकुर क्लीं क्लीं स्वाहा, क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरुकुर क्लीं क्लीं स्वाहा। देवदत्त की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको मोहित किया जाना है। मोहन के लिए 12 लाख जप करना चाहिए, पीले आसन पर पीले कपड़े पहनकर बैठना चाहिए, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। अब स्तंभन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट कर लीजिए, ओम ठंग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे देवदत्तम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय ह्रीं ह्रीं जिह्वाम किले किले ह्रीं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। देवदत्त की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका स्तंभन किया जाना है। शत्रु का स्तंभन कीजिए, सीमा पर शत्रु के सिपाहियों का स्तंभन कीजिए, सारे देश से अगर सत उठेगा, अगर स्तंभन के लिए कितने मंत्र पढ़े जाने हैं, 16 लाख स्तंभन के लिए 16 लाख मंत्र पढ़े जाने हैं और चितकबरे आसन पर चितकबरे रंग के वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। और आकर्षण के लिए मंत्र नोट करिए, इस मंत्र को पढ़कर आप जिसे चाहें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्तम यंग यंग शीघ्र आकर्षय माकर्षय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्तम यंग यंग शीघ्र आकर्षय माकर्षय स्वाहा। आकर्षण के मंत्र में 13 लाख जप करना चाहिए, कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आकर्षण का प्रयोग करना चाहिए। देखो हम वशीकरण जो है उसमें कहीं कहीं कुछ तंत्रों में लिखा है कि दक्षिण की ओर मुंह करो, किसी में पश्चिम की ओर कहा गया, किसी में उत्तर की ओर कहा गया, लेकिन इन दोनों के बीच में अलग अलग ग्रंथों का है। अगर आपका कोई विशेष मत हो तो आप उसको फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है, बाकी तो हमने आपको सब बताया। तो ये थी चर्चा आज माता के तीसरे दिन की, और अब समय समाप्त हो रहा है तो चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना, ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विश्व विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं ह्रीं ह्रीं
फट फट ठा ठा ए रुद्र आ गया पे स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को फ्रूट्स दीजिए, फल दीजिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।